हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिमशा डिज़ाइनर की तरफ से शाहाना परवीन आपका स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस जर्सी का जैकेट का पार्ट वन हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और या मेरे चैनल को भी ओपन करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट वन में हमने आपको इसका एक साइड का गला घटाना बताया था। देखिए, हमने इसमें एक साइड का इस साइड का गला घटाना बताया है और इसमें डिज़ाइन डालना भी बताया है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं या मेरे चैनल को भी ओपन करके देख सकते हैं। देखिए, पीछे का बनाना बहुत आसान है, तो पीछे का वीडियो मैंने नहीं बनाई है, लेकिन पीछे का पार्ट मैं आपको इस तरह से ही समझा देती हूँ। देखिए, यहाँ से पहले हमने ये तीन सिंगल क्रेशिया बनाई। दो सिंगल क्रेशिया बनाने के बाद तीसरी बनाने में ये हमने चैन बनाई, फिर हमने इस चैन को ज्वाइंट करा और इसी तरह हमने इस साइड भी चैन ज्वाइंट करने के बाद दो सिंगल क्रेशिया बनाई हैं। अगर आप पार्ट वन देखेंगे ना, तो आपको पीछे का बनाना इजली समझ आ जाएगा और आप इसे इजली बना सकते हैं। पीछे में हमने कुछ भी नहीं घटाया है, बस जिस चैन में हमने ऊन को बांधा है उसी चैन को बस हमने कम करा है और हमने इसे सीधा देखिए इस तरह से बनाया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम पार्ट वन टू में देखिए इसका इस सेट का दूसरी सेट का गला घटाना आपको बताएंगे। तो देखिए, जहाँ से हमने ये चैन को देखिए जो ये ऊन बांधा है, इस ऊन को पहले हम यहाँ से खोल लेंगे। देखिए, ऊन को खोलने के बाद इस चैन में हम ऊन को ज्वाइंट नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाली चैन में ऊन को ज्वाइंट करेंगे और एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से सिंगल क्रेशिया बना ली हमने। फिर अब नेक्स्ट वाली चैन में हम एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए, नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रेशिया बनाई। पीछे के पार्ट में भी आपको इसी तरह सिंगल क्रेशिया बनाना है। देखिए, इसी तरह हमने यहाँ पे भी सिंगल क्रेशिया बनाई है। अब देखिए, फिर अब हम यहाँ पे 14 चैनें बनाएंगे। जब आप पार्ट वन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं आपको पहले पार्ट वन देखने के लिए सजेस्ट करूँगी कि आप पहले पार्ट वन अच्छे से देखें, फिर पार्ट टू देखें। अब देखिए, फिर दोबारा से हमने 5 चैनें छोड़ के छठी चैन में इसे ज्वाइंट करा, फिर 14 सिंगल क्रेशिया बनाई, फिर छठी चैन में इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। देखिए, अब हमारे चैन वाला डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गया है। एक यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे और फिर एक यहाँ बना के आगे आपको दिखाएंगे। देखिए, लास्ट में आ गए हम। तो लास्ट में अब हम यहाँ पे चैन ज्वाइंट करने के बाद दो सिंगल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। अब पलटेंगे, नेक्स्ट वाली चैन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर जहाँ हमने चैन ज्वाइंट करी है एक सिंगल क्रेशिया हम यहाँ बनाएंगे। हम यहाँ से गला घटा रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाई है। अब देखिए, यहाँ पे हम फिर हाफ डबल क्रेशिया की रॉ बनाएंगे। जो हमने 5 चैनें छोड़ी थी, इसमें हम हाफ डबल क्रेशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक करें और एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करें। देखिए, हाफ डबल क्रेशिया की रॉ बनाने के बाद सेम तरीके से हमने चैन वाला डिज़ाइन भी बना लिया है। ठीक है, अब देखिए इसे हम गले की तरफ ज्वाइंट करेंगे। तो जहाँ हमने चैन को ज्वाइंट करा था उसी के ऊपर हम सिंगल क्रेशिया से इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। और अब इसके नेक्स्ट वाली चैन में एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। अब एक चैन बनाएंगे और फिर हम इसे पलटेंगे। पलटने के बाद अब देखिए, जहाँ चैन बनाई थी ज्वाइंट करी थी उसी में हम इसमें एक सिंगल क्रेशिया बना लेंगे। ठीक है, देखिए पहले 3 थे, फिर 2 हुए, अब हमारा एक यहाँ पे सिंगल क्रेशिया बची है। अब देखिए, जो 5 हमने चैनें छोड़ी थी नीचे, उसमें हम ये हाफ डबल क्रेशिया की रॉ उल्टी साइड से बनाएंगे। उल्टी साइड से हम जब भी बनाएंगे तो हाफ डबल क्रेशिया की रॉ बनाएंगे चैन वाले डिज़ाइन में। तो इसी तरह बनाते हुए इस डिज़ाइन इस रॉ को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट राउंड में आएंगे। देखिए, अब हमने
चैन वाला डिज़ाइन भी बना के हम गले की साइड आ गए हैं। तो आप देखिए जहाँ चैन जॉइंट करी थी इसी जगह पे, देखिए जहाँ चैन हमने जॉइंट करी है इसी जगह पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे जॉइंट करेंगे चैन को। फ्रेंड्स, मैंने अपनी वीडियो में बहुत सारे डिज़ाइन की जैकेट, टोपी, स्वेटर वगैरह डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरा चैनल ओपन करके देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पलटने के बाद जहाँ हमने चैन जॉइंट करी है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर जो हमने पांच चैनें छोड़ी हैं यहाँ पे एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट करेंगे। और फिर इस चैन वाले डिज़ाइन में बनाते हुए नेक्स्ट राउंड में आपको दिखाएंगे। देखिए इस तरह से, अब देखिए हमारी चार रो चैन की कंप्लीट हो गई थी। अब हमने यहाँ से देखिए दूसरे कलर का धागा ज्वाइन करने के बाद, देखिए अब हम यहाँ पे आपको इस तरह से देखिए सबसे फर्स्ट वाली चैन हम उठाएंगे नीचे से जो फर्स्ट वाली है और इसे छठी वाली चैन में ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब पलटेंगे हम इसे, फिर इसी चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक सिंगल क्रोशिया। अब इस कलर के धागे से जब हम बनाएंगे चैन को ज्वाइंट करेंगे तो पीछे साइड से हम सिंगल क्रोशिया की रो बनाना कंप्लीट करेंगे। देखिए जिस तरह से हमने देखिए ये वाली इस साइड में सभी चैनों को ज्वाइंट करा है, दो दो चैन सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसी तरह हमें अब इसमें भी ज्वाइंट करना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या अगर पार्ट वन आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे ये चैनें ज्वाइंट करी हैं। तो इसी तरह से अब हम इन सभी चैनों को ज्वाइंट करेंगे। देखिए जितनी भी चैनें हैं, अब जब हम उल्टी साइड से सीधी साइड में बनाते हुए आएंगे तो छठी चैन में हम इन्हें ज्वाइंट करते हुए आएंगे। तो चलिए सभी को हम इसमें ज्वाइंट करते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं कि हमारा ये डिज़ाइन किस तरह से बनके रेडी हुआ है। देखिए अब हमने ये सभी चैनों को देखिए इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है और नेक्स्ट राउंड की देखिए यहाँ से अब हमारा गला घटना शुरू हो गया है और नेक्स्ट राउंड की चैनें भी हमने इतनी बना ली हैं। अब देखिए यहाँ से हम फिर एक डिज़ाइन घटाएंगे, तो देखिए जितनी भी हमारी चैन बची हैं सब में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए लास्ट तक जाएंगे। देखिए स्लिप स्टिच कर ली हमने, अब हम यहाँ से लास्ट में देखिए इस तरह से अब हम अपने वर्क को पलटेंगे। अब देखिए पलटने के बाद अब देखिए जो ये हमारे ऊपर के फंदे दिख रहे हैं इसी में हम दोबारा से देखिए इस वाली चैन में डालेंगे, फिर स्लिप स्टिच करेंगे, इसमें डालेंगे, फिर स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, अब इसकी जो बाद वाली चैन है देखिए यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ हमने चैन जॉइंट करी है यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए जो ये पांच चैनें हमारी नीचे बची हुई हैं इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पांचों में हाफ डबल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट राउंड की चैन बना के गले की साइड आएंगे। देखिए नेक्स्ट राउंड की चैन बना के हम ये गले की साइड आ गए हैं। अब देखिए जहाँ हमने चैन जॉइंट करी थी वहीं पे हम इस चैन को भी जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ हम इस चैन को जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिए जॉइंट करने के बाद फिर नेक्स्ट वाली चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे
फिर एक चैन लेंगे और पलटेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाली चैन में हम एक सिंगल क्रेशे बनाएंगे, तो अब ये दो हो गई। अब एक हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ बनाने के बाद ये दो हो गई हमारी, ठीक है। अब हम इसमें जो हमने पांच चैनें छोड़ी हैं नीचे, देखिए जो पांच सिंगल क्रेशे की चैनें छोड़ी हैं, अब यहाँ हम हाफ डबल क्रेशे की रो बना के कंप्लीट करेंगे। जैसे हर बार कर रहे हैं इसी तरह से हमें यहाँ पे पांच हाफ डबल क्रेशे बनानी है, देखिए इस तरह से। अब देखिए गला घटना हमारा स्टार्ट हो गया है, अब हम इसे इसी तरह कंप्लीट करेंगे। अब देखिए चैन वाला डिज़ाइन बना के हम फिर गले की साइड आ गए हैं। अब देखिए जहाँ चैन जॉइंट करी थी इसी में हम इसे जॉइंट करेंगे और फिर एक चैन बना के इसे पलटेंगे। देखिए इसे अब हम यहाँ से चैन बना के एक इसे पलटेंगे, फिर जहाँ चैन जॉइंट करी थी एक सिंगल क्रेशे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर हम हाफ डबल क्रेशे वाली रॉ बनाएंगे। हाफ डबल क्रेशे वाली रॉ बनाने के बाद हम आगे आपको दिखाएंगे। देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रेशे की रॉ बनाई और ये हमारा गला यहाँ से कम होना स्टार्ट हो गया। अब देखिए फिर चैन वाला डिज़ाइन बना लिया है हमने, और फिर देखिए यहाँ पे हम जहाँ पे हमने चैन जॉइंट करी थी अब यहाँ चैन जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह चैन जॉइंट करने के बाद फिर एक चैन बनाएंगे हम और फिर पलटेंगे। तो आपको सिर्फ गले की साइड ही घटाई करनी है, मुड्ढे के साइड आपको कुछ भी नहीं घटाना है। जैसे हमने तीन तीन दो सिंगल क्रेशे बनाने के बाद फिर चैन का डिज़ाइन बनाया था, आपको मुड्ढे के साइड सिर्फ इसी तरह से ही बनाना है। फिर हाफ डबल क्रेशे की रॉ बनाएंगे हम। हाफ डबल क्रेशे की रॉ बनाने के बाद फिर हम इसमें दूसरे कलर का ऊन ऐड करेंगे, क्योंकि चार चैनों वाला डिज़ाइन हमारा इसमें कंप्लीट हो जाएगा, तो हम दूसरे कलर का ऊन ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा गला घटना स्टार्ट हो गया है। अब इसके आगे अब हमें कुछ भी नहीं घटाना है। तो देखिए दूसरे कलर का ऊन ज्वाइंट करने के बाद देखिए यहाँ से अब हमने यहाँ पर चैन ज्वाइंट करी है। चैन ज्वाइंट करने के बाद देखिए यहाँ पर अब हम तीन सिंगल क्रेशे बना लेंगे इस तरह से, पलटेंगे। फिर देखिए जस्ट बराबर वाली चैन में से हम एक एक सिंगल क्रेशे की रॉ बनाएंगे और फिर पांच पांच चैने छोड़ के छठी चैन में हम चैन को ज्वाइंट करते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब ये हमारा देखिए यहाँ से हमारा गला घट गया है, यहाँ से हमने दो पैटर्न घटा दिए हैं, ठीक है। अब हम आपको इससे ऊपर कुछ भी नहीं घटाना है, सेम तरीके से बना के इसे रेडी करना है। अब देखिए अब हम दूसरा वाला आपको दिखाते हैं। देखिए जिस तरह से हमने इसे घटाया था, देखिए ये हमारा देखिए यहाँ तक हमने घटाया था, इसके ऊपर हमने सेम बनाया है। देखिए यहाँ से घटाना स्टार्ट करा था, अब देखिए हम दूसरे पैटर्न को इसी के ऊपर रख के दिखाते हैं कि सेम पैटर्न में हमारा ये गला घटा है या नहीं। देखिए इस तरह से देखिए सेम पैटर्न में हमारा ये गला यहाँ से घट गया है। अब इसके ऊपर की रॉ जो हम बनाएंगे तो सेम बना लेंगे, तीन तीन सिंगल क्रेशिया साइडों में बनाते हुए इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अब ये हमारे दोनों साइड का गला घट गया है। अब हम इसमें देखिए ये हमारे यहाँ से इस तरह से हम आप सुई से या क्रेशिया की मदद से इसे यहाँ से दोनों मुड्ढों को सिलाई कर लें और फिर इसमें हम नेक्स्ट राउंड नेक्स्ट पार्ट में पार्ट थर्ड में इसकी गले की पट्टी और इसे का डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए अभी हमने जॉइंट कर लिया है, देखिए दोनों हमने ये जॉइंट कर लिए हैं और इसमें एक साइड में हमने ये सिंगल क्रेशे की रॉ भी बना के कंप्लीट कराई है। देखिए ये वाली
सिंगल क्रेशे की रॉ भी बना के हमने कंप्लीट करी है। और अब दूसरी साइड में हम आपको इसके इसको किस तरह से हमने बनाई है सिंगल क्रेशे की रॉ, ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ से जहाँ से हमने ये गले की फर्स्ट वाली चैन है यहाँ से उनको ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, फिर नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे और एक सिंगल क्रेशे बनाएंगे, ठीक है। फिर देखिए ये नेक्स्ट वाली रॉ में डिज़ाइन में डालेंगे, जिस तरह से मैं बना रही हूँ सेम तरीके से आपको इसमें ये सिंगल क्रेशे की रॉ बनानी है। देखिए अब यहाँ पर डालेंगे हम एक सिंगल क्रेशे बनाएंगे, ठीक है। अब इस जगह पर डालेंगे एक सिंगल क्रेशे बनाएंगे। तो ये जो हमारी सिंगल क्रेशे की रो है ना, सभी की में एक एक सिंगल क्रेशे हमें बनानी है। देखिए एक यहाँ बनाएंगे हम, ठीक है, एक हम इसमें बनाएंगे, एक हम इस वाली चैन में बनाएंगे, एक हम इस वाली चैन में बनाएंगे, तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है और तो आप हमारे चैनल को खोल के ओपन करके और भी वीडियो देख सकते हैं। हमने बहुत सारे डिज़ाइन की जर्सी की, बटन पट्टी की, टोपे की, फ्रॉक की, स्वेटर की, जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर और छोटी छोटी फ्रॉकों के डिज़ाइन भी बना के डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप एक बार हमारे चैनल पे को ओपन करके ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी काम की चीज़ें मेरे चैनल पे मिलेंगी जो आपके बना के इसमें आप बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से अब हम यहाँ तक गले तक आपको बताते हैं जहाँ पे हमने ये धागा बांधा हुआ है यहाँ से हमने गला स्टार्ट करा है। तो देखिए इसी तरह से हमें सभी में एक एक सिंगल क्रेशे बनानी है। देखिए धागा बांधा था यहाँ से हमने गला बनाना स्टार्ट करा है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा गला बनके रेडी होगा। इसमें हमने जो बटन पट्टी बनाई है वो भी नए तरीके की बनाई है, आप पार्ट थर्ड भी ज़रूर देखें ताकि आप पूरी जर्सी बनाना सीख सकें या बना सकें। तो इसी तरह से अब हम पूरी रॉ कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए पूरी रॉ हमारी यह कंप्लीट हो गई है। रॉ कंप्लीट होने के बाद देखिए अब ये हमारी पूरी रॉ कंप्लीट हो गई है। तो पार्ट टू में इतना ही, पार्ट थर्ड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब मैं पार्ट थर्ड डालूँ तो आपके मोबाइल पे उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इसका पार्ट थर्ड भी देख सकें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और एक प्यारा सा कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि मेरी बनाई हुई ये जैकेट आपको कैसी लगी या इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा। तो चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।